तो फाइनली यार वो दिन आ ही गया है और आपकी जेम की रैंक आ चुकी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार आपकी जेम की रैंक के अकॉर्डिंग आप जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनी अदर, कि यार अब आपको कौन सा IIT NIT कॉलेज मिलने वाला है। तो यार इसके लिए ये बना दी अपने एक्सेल सीट। तो यार इस सीट में आपको पूरा लास्ट 2 ईयर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखने को मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि यार आप सभी के लिए इजी हो जाए कि यार आपको कौन सा IIT सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी प्रेफरेंस देना चाहिए, जो कि यार आपके जो सीनियर बैचेस वगैरह हैं उन्होंने प्रेफरेंस डाल दिया। तो मैं भी आपको थोड़ा सा इसमें चीट सीट को मैं बता देता हूँ, और बाकी ये चीट सीट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से इसको ज़रूर आप देख लेना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि यार भी काउंसलिंग में बहुत बार एज ए स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। तो यार इसमें आपको ये भी जानने को मौका मिल जाएगा कि यार कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स है और आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स में सबसे जो बेस्ट प्रायोरिटी रहती है स्टूडेंट की, वो रहती है IIT बॉम्बे का मैथमेटिक्स, जो लास्ट ईयर स्टूडेंट ने फिल करा था और डिड रैंक 2 IIT बॉम्बे का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट चूज़ करा था। उसके बाद IIT गुवाहाटी का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एंड द थर्ड वन इज द IIT बॉम्बे का ऑपरेशन रिसर्च। बट मैं बोलूँ कि यदि आपको 100% प्लेसमेंट चाहिए तो IIT बॉम्बे का ऑपरेशन रिसर्च को थोड़ा सा ऊपर रखना, क्योंकि यार यहाँ के प्लेसमेंट मतलब सबसे बेस्ट रहते हैं। बाकी यार आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, डेटा साइंस फील्ड में जाना है, तो यार आपके लिए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग IIT गुवाहाटी का जो है वो बहुत ही एक तरह से अच्छा है। उसके बाद जो प्रायोरिटी रहती है स्टूडेंट की, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, फिर IIT गुवाहाटी का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। IIT दिल्ली और IIT कानपुर में आपको प्योर मैथमेटिक्स ज़्यादा पढ़ने को मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा यार ये देख लेना कि यदि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो हायर मैथमेटिक्स में तो फिर लेना, अदरवाइज नहीं तो आपको बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। देन उसके बाद अपने पास आता है IIT धनबाद, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, रुड़की, जोधपुर, हैदराबाद, रोपर, इंदौर, भुवनेश्वर, पलक्कड़, गांधीनगर, मंडी, तिरुपति। IIT तिरुपति का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, जैसे कि यार इस वीडियो में मैंने पूरा इन डिटेल बात करा था IIT तिरुपति के बारे में, तो यार ये वीडियो जरूर आप देखना, इसमें सभी डिपार्टमेंट के बारे में बात कराया और वहाँ पर एक चीट सीट में उसके बारे में पूरी डिटेल वगैरह दिए। तो यार ऐसे मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें अपन अभी तक 4 या 5 IITs का भी वीडियो बना चुके हैं, ऐसे सभी IITs का जल्द आने वाला है, तो यार आपकी काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, तो ज़रूर उस प्लेलिस्ट को आप देख लेना। तो अब ये हो चुका आपका IIT सेम 2023 के अकॉर्डिंग। तो यार अभी सेम टू सेम मैंने यहाँ पर 2022 का जो डाला है कि यार जो ऑलरेडी रैंक 1 ने जो प्रीफर करा था वो था अपना IIT दिल्ली, उसके बाद IIT बॉम्बे का मैथमेटिक्स, फिर IIT बॉम्बे का ऑपरेशन रिसर्च, फिर IIT गुवाहाटी का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। 2022 तक मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग सेम ही थे IIT गुवाहाटी में, 2023 से उनको स्प्लिट करा गया है दो सब्जेक्ट में, वो 30-30 सीट कर दी, ओवरऑल वहाँ पर आपको 60 सीट मिल जाएगी। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि यार आपको मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग लेना है या फिर मैथमेटिक्स लेना है, तो यार इसके लिए मैंने इन डिटेल इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बात करी है। अभी यार देखो कि यार आपको यदि ये भी कन्फ्यूजन जा रहा है कि मुझे कौन सा IIT लेना है, कौन सा NIT लेना है, तो यार इसके लिए मैंने क्या कहा था कि लास्ट ईयर IITs के NITs के जो स्टूडेंट थे उनको अपने इस YouTube चैनल पर लाइव सेशन में बुला बुला कर सेशंस लिए थे, और सभी IITs के मैंने प्रेफरेंस लिस्ट भी डाली थी प्लेसमेंट और रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो यदि आपको लास्ट ईयर का वीडियो देखना है तो ज़रूर आप देख लेना, इस ईयर के वीडियो भी आ जाएंगे पर थोड़ा सा भी लेट आएंगे। ऐसे अपन बात करें तो केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए, तो केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए भी आपको ये इसमें पूरी डिटेल वगैरह मिल जाएगी कि 2023-24 के अकॉर्डिंग कौन सा आपको IIT सेलेक्ट करना चाहिए। वैसे केमिस्ट्री के लिए यदि आपको प्लेसमेंट में जाना है तो यार IIT बॉम्बे वन ऑफ द बेस्ट, कानपुर और दिल्ली, दिल्ली के प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं सही गए हैं, जैसे कि यार इस वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था। खड़गपुर, मद्रास, फिर गुवाहाटी के भी प्लेसमेंट इस बार मतलब कंपेरेटिवली सही हुए, बट लास्ट ईयर मतलब जनरली होता क्या है कि यार सॉफ्टवेयर फील्ड वगैरह में स्टूडेंट जा सकते हैं जाने में, केमिस्ट्री के स्टूडेंट वगैरह रहते हैं, बट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना रहता है हमको। सेम बात कर सकते हैं अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट का, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट की भी बहुत ही अच्छा रहा है, जैसे कि यार सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो प्रीफर करते हैं वो रहता है अपना IIT दिल्ली, फिर बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास। कानपुर में यहाँ पर दो है, एक तो अपने पास MSc PhD ड्यूअल डिग्री है और अपना एक MSc कोर्स है, तो यार यहाँ पर स्टूडेंट की जो भी ज़्यादातर प्रायोरिटी जो रहती है वो यहाँ पर रहती है ड्यूअल डिग्री कोर्स में, 31 रैंक वाले ने उसको प्रीफर करा था कहीं ना कहीं, तो आप इसको देखना ज़रूर। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट वगैरह जाए तो यार मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। सेम यदि आप 2022 की रैंक के अकॉर्डिंग बात करो तो ऑलरेडी रैंक 1 ने IIT बॉम्बे प्रीफर करा था, उसके बाद अपना IIT दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे का अप्लाइड जियो फिजिक्स। तो यार जियो फिजिक्स कंपेरेटिवली एक बहुत अच्छा है, यहाँ पर लाइक कि आपके कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे होते हैं,
जैसे कि यार थोड़ा सा अपन ने इस वीडियो में मैंने बात करा था आईआईटी खड़गपुर के बारे में, इस बार के वीडियोस वगैरह आ जाएंगे, मैंने वहाँ के स्टूडेंट से मैंने बात करना स्टार्ट कर दिए। यदि मैं मैथमेटिक्स स्टडीज की बात करूँ तो यार आपने पास यहाँ पर आपको तीन कॉलेज मिलते हैं, फर्स्ट वन इज द बॉम्बे, कानपुर और तिरुपति। आईआईटी तिरुपति ने लास्ट ईयर ही 2023 से जो वहाँ का मैथमेटिक्स एंड स्टडीज कोर्स कुलम है उसमें कुछ सीटें एमएस से भी ले रहे हैं, जनरली मैथमेटिक्स से लेते हैं, पर उस आई थिंक 20 सीट रहती है, उसमें से 15 सीट मैथमेटिक्स से आती है और 5 सीट अपना स्टैटिक्स से आएगी, और 2022 का भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प की जरूरत पड़ रही होगी, तो यार इसके लिए हमने बहुत ही अच्छा प्लान करा है कि जो IITs NITs के जो स्टूडेंट वगैरह हैं वही आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि यार वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा IIT NIT सेलेक्ट करना चाहिए। तो जैसे कि यार अभी IIT की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो इसके लिए हमने ऐसा प्लान करा है कि जो IIT NIT के स्टूडेंट है उसमें मैं भी रहूँगा। पहले तो यार हम सभी हर एक स्टूडेंट की आधे आधे घंटे की गूगल मीट लेने वाले हैं, उसमें हम पर्सनली आपसे डिस्कस करेंगे आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, उसके बाद आपको हम प्रेफरेंस लिस्ट दे देंगे कि आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज फिल आउट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम आपको ये भी गाइडेंस देंगे कि यार आपको IIT NIT जाने से पहले आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, ताकि यार फिर वहाँ पर जाके आपको रिग्रेट नहीं हो, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जाती है MSc कोर्स में, स्पेशली उन स्टूडेंट को कि जिनका यार थोड़ा सा लगभग बहुत ही कॉन्सेप्ट हिले डुले हुए हैं, है ना। लाइक हो सकता है कि यार आपकी रैंक बहुत ही अच्छी आ गई हो, तो यार ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत होना। तो यार ये आधे घंटे की मीटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और साथ ही साथ में जब तक आपके चारों राउंड नहीं हो जाए IIT JEE के काउंसलिंग के लिए, तब तक हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू हज़े हेल्प करते रहेंगे। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। यदि आप 31 मार्च से पहले रजिस्टर करते हो तो यार इसकी प्राइस हमने बहुत ही कम रखी है, ओनली 299 रुपीज़ में आपका एक सेशन होगा और आपकी काउंसलिंग में हेल्प होगी, और आपको जो भी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके अलावा, भैया कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, फुल सपोर्ट मिलने वाला है। तो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। और बाकी यार देखो कि यार मैंने चीट शीट बनाई दी है, तो आपको फालतू मतलब वो बार बार पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार भैया ये करें कि वो करें, है ना। तो यार आपके लिए बहुत ही काम मैंने आसान कर दिया है। सेम चीज़ मैंने यार यहाँ पर अभी बायोटेक्नोलॉजी का भी डाल दिया। बायोटेक्नोलॉजी के अपने पास IIT बॉम्बे, खड़गपुर, इंदौर और बॉम्बे का इन्वायरमेंटल कोर्स में यहाँ पर एडमिशन मिलता है। उसके बाद जियोलॉजी की मैं बात करूँ तो यार जियोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको IIT बॉम्बे, IIT धनबाद, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT भुवनेश्वर, IIT खड़गपुर का जियो फिजिक्स में भी जियोलॉजी की कुछ सीट वगैरह रहती है। इस बार मैंने प्लेसमेंट रिव्यू देखा तो यार अभी वहाँ के एक स्टूडेंट से मैंने बात करी जियोलॉजी डिपार्टमेंट के, तो उसने कहा है कि यार इस बार IIT खड़गपुर के प्लेसमेंट कंपेरेटिवली अदर IIT से मतलब ठीक रहे, मतलब लास्ट ईयर जैसे तो नहीं रहे, मतलब ठीक रहे, क्योंकि रिसेशन चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मन कह सकते कि चलो सही रहा है। हाईएस्ट प्लेसमेंट शायद 20-22 LPA तक गया है। और यदि अपन इकोनॉमिक्स की बात करें तो यार इकोनॉमिक्स में ओनली दो ही कॉलेजेस मिलता है, एक तो आपने IIT दिल्ली एंड IIT रुड़की में, ठीक है। तो आई होप यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे हेल्पफुल रहा होगा। तो यार ये वीडियो एंड चीट सीट जरूर अपने सभी फ्रेंड्स, सभी ग्रुप में शेयर कर दो, उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसे हेल्प मिलने वाली। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। और यदि आपको काउंसलिंग में ज्वाइन होना है तो यार आप एप्लीकेशन से रजिस्टर कर सकते हो, लिंक आपको पिन में कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। वेबसाइट पे आप जाना, वेबसाइट आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बाकी यदि आपको NITs की क्लोजिंग रैंक वगैरह की जरूरत पड़ रही हो तो यार प्रेजेंटली आप इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आप पर्टिकुलर हर एक IIT आपके जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख सकते हो, ठीक है। बाकी यार इसके लिए भी मैं सीट बना दूंगा, क्योंकि तो उसमें थोड़ा सा NITs में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अभी CCM की काउंसलिंग में थोड़ा टाइम भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा इसको जरूर अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना। और बाकी लास्ट ईयर के वीडियोस देखना मत भूलना, क्योंकि यार आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स वगैरह बताएगा जो कि यार आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे बहुत ज़्यादा।